फ्रेंड्स बने थे 8th स्टैंडर्ड में. 9th स्टैंडर्ड में वो मेरी क्लास में शिफ्ट हुआ था. तब से हमारी दोस्ती हमेशा से अच्छी रही. मतलब एक वो ऐसा डिसेंट लड़का था मेरी क्लास में जिसको मुझे लगता था मैं हमेशा ही ट्रस्ट कर सकती हूँ, और एज अ फ्रेंड मैं उसको बहुत अच्छा देखती थी. जाने कहाँ मुड़ जाती है. सो मैं 8th क्लास से फ्रेंड्स हैं एंड हम दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं 8th क्लास से. आफ्टर 12th वी डिपार्टेड. हम अपने अपने लाइफ में कंटिन्यू कर चुके थे. वो कॉलेज में थी, मैं कॉलेज में था. बट वी शिफ्टेड, आई शिफ्टेड टू हर सोसाइटी. वहाँ हम 2-3 महीने के लिए फ्रेंड्स. उसके बाद आई प्रपोज हर. शी वॉज लिटिल बिट हेजिटेटिंग. उसने पहले बहुत सोचा. वी वेंट फॉर दी कंटिन्यूएशन विद दी फ्रेंडशिप ओनली. 2-3 महीने बाद उसने हाँ किया एंड वी स्टार्टेड फ्रॉम देयर आउटसाइड. सुनी नहीं जमाने ने तेरी मेरी कहानियां. कर दे कोई नवाज शे करम मेहरबानियां. ये आरज़ू थी के देखे ये दुनिया हम जैसा कोई दीवाना ही नहीं. कर दे कोई नवाज शे करम मेहरबानियां. One day Puneet and I were chatting. As usual, it was a late night chat. And I got 3 messages. One message individually said I. Second message said love. And third message said you. So I was very cool about it. He said, I love you. I said, I love you too as a friend na. I know that we love each other as a friend. Raat andheri mein chup rahe the. Gum ek savera. ढूंढ रहे थे सदियों से जैसे जाग रहे थे. प्यार को अपने ठाप रहे थे. फिर गिर पड़े. कल हम लोगों ने डिसाइड किया था कि हम अपनी फैमिलीज में बताएंगे दिसंबर 2016 में. देन हम थोड़े घबराए हुए थे कि 7 इयर्स का रिलेशन था, घर में बताएंगे क्या होगा. बट दे एक्सेप्टेड अस वेरी नाइसली. बहुत अच्छा लगा था. सब कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ. उन्होंने एक्सेप्ट किया, प्यार दिया, तो बहुत ब्लेसिंग फील हो रही थी. Because I am not nervous. All I am happy about, and I'm looking forward to spend my life with him. मेरा हमेशा से एक्साइटमेंट रहती थी कि मैं आस्था को हमेशा सरप्राइज करता रहता था. जब भी मैं सरप्राइज करता था वो बहुत अच्छा फील करती थी एंड मैं बहुत खुश होता था उस चीज से. I was very happy to see her happy. जलता दिया
मुझको बता चाहना।